देश ही नहीं विदेशों में भी नक्सलियों के आतंक के नाम से जाना जाता रहा है और बस्तर में हमेशा बम के धमाकों की गूंज सुनाई देती है। पर अब बस्तर में गूंज रही है संगीत की मधुर धुन। जी हाँ, और इस संगीत की गूंज पूरे देश के साथ विदेश तक भी पहुंच रही है और ये कारनामा कर दिखाया है जगदलपुर के रहने वाले हरजीत सिंह व उनके परिवार ने। दरअसल हरजीत सिंह ने अपनी पत्नी व दो बेटों के साथ मिलकर एक म्यूजिकल बैंड तैयार किया है जिसको सुनने वाले बस्तर समेत पूरे देश और विदेशों में भी हैं। उनकी इस खूबी के चलते बस्तर की छवि विश्व पटल पर अब बदल रही है और पूरे बस्तर वासियों के लिए हरजीत और उनका पूरा परिवार प्रेरणा का स्रोत बनता जा रहा है। गाने का शौक बचपन से ही है और मैं बचपन से ही गा रही हूँ और इसको मैं और भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा और मतलब किसी भी चीज में रोक टोक नहीं है और बहुत अच्छा माध्यम है। मैं यूट्यूब का और सोशल मीडिया का धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर ये उपलब्धियां मुझे मिली है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। तो सोशल मीडिया, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और आपकी आपकी प्रतिभा कुछ अनोखी है तो नो डाउट आपको सोशल मीडिया हाथों हाथ लेगा और आपकी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से जहां तक जानी चाहिए वहां तक जाएगी और वो लोग आपके पास चल के आएंगे। और ये देखिए, कला का एक बेहतरीन नजारा पेश किया है यहाँ पर। एक ऐसा जगदलपुर, एक बस्तर, एक ऐसा संभाग आता है जहाँ पर अक्सर गोलियों की आवाजें और धमाकों की, बम के धमाकों की आवाजें सुनाई देती है। वहां पर ये म्यूजिक की धुन एक अलग ही अंदाज में सुनाई दे रही है। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। आशुतोष, यहाँ पर ये पूरा परिवार म्यूजिकल बैंड तैयार करके यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है और काफी ख्याति भी बटोर रहा है। ये सोच इनके पास कहां से आई कि ऐसा करना चाहिए, वो भी एक ऐसे जगह से जहां पर अक्सर इन सब चीजों के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं? जी देखिए, जिस तरीके से ये जो पूरा परिवार है एक म्यूजिकल बैंड बनाकर और लगातार कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर या जहां पर कार्य हो रहे हैं या फिर कुछ फंक्शन हो रहे हैं वहां पर अपना शो प्रदर्शन किया है और अब जो अपना YouTube चैनल बनाकर यहाँ पर और अपना जो म्यूजिकल है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाकर YouTube चैनल पर डाल रहे हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी सुर्खियाँ बटोरते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि उनका बचपन से ही शौक था म्यूजिक बजाने का और उसके बाद से पूरा परिवार इनका साथ दिया और आज ये जो YouTube का सिल्वर जो अवार्ड रहता है वो प्राप्त किए हैं और देश ही नहीं विदेशों से भी इनको बधाई मिलते यहाँ पर नजर आ रहा है। इनका कहना यही है कि हम लगातार ऐसे ही बस्तर का नाम रोशन करते रहेंगे और कहीं ना कहीं सुर्खियों में तो बस्तर से सिर्फ नक्सलवाद ही रहा है, कहीं बम ब्लास्ट होना या फिर नक्सलियों का वारदात कहीं ना कहीं यही नजर आता है, लेकिन ये पहली दफा ये बस्तर से उठ कर आया है, उभर के आया है कि बस्तर में YouTube के माध्यम से किसी को अवार्ड मिलता है और यह बस्तर वासियों के लिए खुशी की बात है। जिस तरीके से जो हरजीत सिंह पप्पू हैं उन्होंने बस्तर वासियों के लिए ये YouTube के माध्यम से YouTube का सिल्वर बटन मिलना वाकई अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और खुशी इस बात की होती है कि जहाँ पर अक्सर युवा हाथ में बंदूक उठा लेते हैं, इन युवाओं ने गिटार उठाया है। चलिए, शुक्रिया आपका। एक्सप्रेस स्पेशल में प्रारंभ इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।